दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय देहरा पब्लिक स्कूल खबली। कोरोना महामारी के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं, लेकिन उन्हें मिल रहे सामान को अधिकारी व कर्मचारी वर्ग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रैत खंड में 282 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिनके तहत करीब 11,000 बेनिफिशियरी को घर पर पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल, मातृ असहाय संबल योजना आदि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं के तहत सभी के खाते में वित्तीय लाभ पहुंचा दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान 1,050 व्यक्ति प्रदेश से या बाहरी राज्य से अपने घर पहुंचा है, उसकी सूचना संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर तथा सहायक इनके साथ प्रतिदिन साझा करते हैं, जिसकी सूचना यह प्रशासन को देते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने स्तर पर मास्क बनाकर भी लोगों में वितरित कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। नमस्कार, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय विकासखंड रैत में चल रहा है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी इस कार्यालय को जो है वो स्टाफ की अल्टरनेटिव डेज पर स्टाफिंग करके जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और जितनी भी जो विभागीय योजनाएं हैं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए और विशेष करके महिलाओं और बच्चों के लिए अनेकों योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है वो उन लोगों तक जो है वो उनके खातों में समय पर डाला भी जा रहा है। साथ ही फील्ड लेवल पे हमारी 282 आंगनबाड़ी हैं और उनमें जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जो काम कर रही हैं इस कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी, उनके द्वारा राशन भी जो है वो सभी लाभभोगियों को जो है वो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उपलब्ध करवाया जा रहा है समय पर। साथ ही मैं और बात बताऊं कि जितने हमारे प्री स्कूल एजुकेशन के बच्चे रहते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, उनको प्रतिदिन जो है वो जो भी तयशुदा एक सिलेबस है प्री नर्सरी के बच्चों के लिए, तो वो सिलेबस जो है वो एक दिन एडवांस पहले ही जो है वो पेरेंट्स को उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं और उस व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वो होमवर्क भेजा जाता है बच्चों को। और इसका इस ब्लॉग में मैंने नाम दिया है हर घर आंगनबाड़ी। तो घर में पेरेंट्स जो हैं वो प्री नर्सरी क्लासेस स्वयं बच्चों को उसका काम बच्चों से करवा रहे हैं और उसकी पिक्स भी हमें शेयर करते हैं, तो इस तरीके से काम चल रहा है। रही बात कोरोना वायरस की लड़ाई में हमारा जो रोल है, जो प्रशासन की ओर से हमें काम दिया गया है कि विदेशों से या अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी सूची बनाकर भी हम जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट नंबर सहित प्रशासन को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही लोग इस कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं फील्ड में, उसके लिए भी हम बाहरी फ्रंटलाइन वर्कर फील्ड में काम करें। साथ ही अपने स्तर पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ फील्ड में मास्क बनाकर भी जो लोगों को उपलब्ध करवा रही हैं। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शाहपुर से विजय लखवाल की रिपोर्ट। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देहरा पब्लिक स्कूल खबली तहसील देहरा नई बुलंदियां छू रहा है। परिश्रमी अध्यापकों एवं समस्त सुविधाओं से लैस यह स्कूल हर वर्ष बढ़िया परिणाम दे रहा है। नर्सरी से लेकर प्लस टू साइंस तक की कक्षाएं इस स्कूल में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा चलाई जा रही है। हर वर्ष प्लस टू साइंस के 50% विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में स्कूल से प्लस टू पास विद्यार्थियों ने MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है। कई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य के लिए अपने बच्चे का दाखिला DPS खबली में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।